हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच हिंदी पोयम लेसन नंबर 1 हे मात्र भूमि। नाउ स्टार्ट। इसके लेखक हे मात्र भूमि के लेखक कौन है? राम प्रसाद विस्मिल। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? परिचय। परिचय हम देखते हैं। परिचय में क्या दिया है? जन्म 1897 शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश। मृत्यु 1927 गोरखपुर उत्तर प्रदेश। परिचय इनका क्या है? राम प्रसाद विस्मिल भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, अनुवादक, बहुभाषा विद व साहित्यकार भी थे। आपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सरफरोशी की तमन्ना आपकी प्रसिद्ध रचना है विस्मिल। उपनाम के अतिरिक्त आप राम और अज्ञात के नाम से भी लेख व कविताएं लिखते थे। प्रमुख कृतियां क्या है? मन की लहर, आत्मकथा आदि। तो विस्मिल जी जो हैं, इन्होंने हमारे आज़ादी के लिए भी बहुत कुछ किया है, जिसके लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी है उन्होंने, और बहुत उच्च कोटि के वो कवि भी थे और बहुत अच्छे साहित्यकार भी हैं, सॉरी थे, साहित्यकार भी हैं। और इसके बाद हमारी जो कृतियां दी है, मन की लहर, आत्मकथा आदि। अब देखेंगे हम पद्य संबंधी। प्रस्तुत कविता में क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी कवि राम प्रसाद विस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम व भक्ति भाव को व्यक्त किया है। यहाँ आपने मातृभूमि की सेवा करने का, देश हित में न्यौछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है। इन्होंने किसके ऊपर अपनी लालसा व्यक्त की है? मातृभूमि के ऊपर, कि देश हित में न्यौछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है। तो जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ा था, उन्होंने अपने जीवन को ही पूरा न्यौछावर कर दिया था हमारे देश के ऊपर। तो ऐसा इन्होंने दिया है, हमारी जो मातृभूमि है उनके ऊपर ही सबने अपना बलिदान दिया है। तो नाउ स्टार्ट। अभी हम देखेंगे फर्स्ट स्टेंजा क्या है। हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीस पे चढ़ाऊं। अभी हम इसका क्या देखेंगे? मीनिंग देखेंगे, जिसे हम हिंदी में शब्दार्थ बोलते हैं। इसको नया शब्द भी बोला जाता है। अभी हम देखेंगे क्या नवाना है ना, इसमें दिया है ना, नवाऊं दिया है ना, शीश नवाऊं या नवाना मतलब झुकाना। और क्या दिया है? शीश। शीश मतलब क्या होता है? सिर। अगर हम जब कभी मंदिर में जाते हैं तो अपने शीश को ही झुकाते हैं ना भगवान के चरणों में, तो वैसा ही है कि धरती माँ के चरणों में। और भेंट का क्या दिया है? उपहार। हम उनको उपहार भी कुछ लेके जाते हैं, फूल माला वगैरह। और देखो जिह्वा मीन्स क्या होता है? जीभ, जो हमारा टंग है। सपूत मीन्स क्या होता है? सुपुत्र। उपजे मीन्स क्या होता है? पैदा हो, जो उपज होती है ना वो। और निज मीन्स क्या होता है? अपने। ठीक है, ये जो डिफिकल्ट वर्ड हैं उनके मैंने आपको अर्थ बता दिए हैं, और इन अर्थ के अनुसार हमें इन 6 लाइन की और क्या करना है, इसका अर्थ समझना है और अच्छे से समझना है, ताकि हमको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आपको ध्यान से वीडियो को सुनना है कि इसमें है क्या। ठीक है, अभी देखो। हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीस नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। अभी देखो कवि क्या कहते हैं। कवि कहते हैं, कौन से हैं कवि के नाम क्या है? राम प्रसाद विस्मिल जी। कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि, मैं तेरे चरणों में अपना शीस झुकाता हूँ। हे मातृभूमि, मैं तेरे चरणों में अपना शीस झुकाता हूँ, और मैं अपनी भक्ति रूपी भेंट
लेकर तेरी शरण में आना चाहता हूँ। मतलब ये बोल रहे हैं कि जो मेरी भक्ति है माँ, मैं तेरे शरणों में आना चाहता हूँ, तेरे शरण में आना चाहता हूँ। आपको पता है ना, जो पुजारी लोग रहते हैं, जो मंदिरों में रहते हैं, वो अपने भगवान के शरण में रहते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि मैं अपनी भक्ति रूपी भेंट को लेकर के कहाँ पे आना चाहता हूँ, तेरे शरण में आना चाहता हूँ। फिर माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, मेरा ही नाम गाऊं। अभी बोलते हैं, कभी कहते हैं कि माँ मेरे मस्तक पर तुम ही चंदन के समान विराजित हो। हे माँ, मेरे मस्तक पर तुम ही चंदन के समान विराजित हो, तुम ही मेरे हृदय पर माला के समान सुशोभित हो। हृदय मीन्स होता है हार्ट, दिल होता है। तो क्या होता है, वो बोलते हैं कि जो हम माला जो पहनते हैं अपने गले में, वो जो माला है, उनका कवि का क्या कहने का मतलब है कि तुम ही मेरे हृदय पर माला के समान, मतलब जो जिनकी वो बात कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि हे माँ, आप जो हैं मेरे हृदय पर माला के समान सुशोभित हो। माँ मेरी जिह्वा पर केवल तेरा ही नाम हो। वो ऐसा चाहते हैं कि बस मैं तेरे ही नाम पे रहूं, मैं आपसे ही जुड़ा रहूं, ऐसा उनका मानना है। तो क्या बोलते हैं वो कवि, फिर से क्या कहते हैं कि माँ मेरी जिह्वा पर केवल तेरा ही नाम हो और मैं सदा तेरा ही गुणगान करता रहूं, मैं सदा तेरा ही गुणगान करता रहूं। आपको पता है, अगर आपने ये देखा होगा, ये सॉरी कृष्ण लीला या रामायण, तो आपको पता होगा कि एक सेवरी नाम की स्त्री थी जो राम जी का इंतजार कर रही थी, वो उनकी बहुत बड़ी भक्त थी। और कृष्ण में आपने देखा है कि मीरा, जो कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी, जो उनके शरण में ही रहना पसंद करती थी, सेम वैसे ही ये भक्ति है। और फिर हम देखते हैं, नेक्स्ट लाइन देखते हैं, जिससे सपूत उपजे श्री राम श्री कृष्ण जैसे। अभी आपने देखा ये लोग आ गए इसमें राम और कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। क्या बोलते हैं अब कवि, कहते हैं कि इस भूमि ने श्री राम और कृष्ण जैसे सपूतों को जन्म दिया है, सपूतों को जन्म दिया है, ऐसी मातृभूमि की रज को मैं नित्य अपने शीश पर चढ़ाना चाहता हूँ। मतलब वो बहुत गर्व से, बहुत खुशी से बोलते हैं कि जिस धरती पर राम जैसे कृष्ण जैसे सपूत पैदा हुए, वो धूल जो है मैं अपने शीश पर लगाना चाहता हूँ, शीश पर चढ़ाना चाहता हूँ। आपको पता है कि जो अच्छे रहते हैं लोग ना, जो अपनी धरती माँ को बहुत मानते हैं, वो अपने धरती की मिट्टी कोई शुभ काम करने जाते हैं तो चंदन की तरह अपने माथे पे लगा लेते हैं। इसका बेटा इतना ही अर्थ है, तो आप लोग को ये समझना पड़ेगा, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट का देखते हैं, ओके। अब हम देखेंगे, माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर करता प्रणाम तुझको, मैं वे चरण दबाऊं, सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तजकर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं, तेरे ही काम आऊं तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। अभी इसके भी मैं नए वर्ड आपको बताती हूँ, शब्दार्थ बताती हूँ। अब देखो, पद मीन्स क्या होता है, पैर, और वहां पे चरण था ना, चरण मीन्स भी पैर होता है। अब रज मीन्स क्या होता है, धूल। चरण दबाना मीन्स सेवा करना। आपने रामायण में देखा होगा कि लक्ष्मण अपने भाई राम की नित्य दिन सेवा करते थे, उनका पांव दबाकर, तज कर त्याग कर बलिदान प्राणहुति निछावर देह शरीर, ओके। ये इसका आपको नया शब्द है, आपको सबको अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है। अभी हम देखते हैं कि इसका क्या अर्थ है, वो मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। अभी हम देखेंगे, माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर करता प्रणाम तुझको, मैं वे चरण दबाऊं। अभी बोलते हैं, हे माँ समुद्र सदा तुम्हारे निज, समुद्र सदा तुम्हारे जिन चरणों को
जिन चरणों को धोकर तुम्हें प्रणाम करता है, मैं उन चरणों को दबाना चाहता हूँ। मैं उन चरणों को क्या करना चाहता हूँ? दबाना चाहता हूँ, उन चरणों की सेवा करना चाहता हूँ। अभी भक्त क्या बोल रहा है कि हे माँ समुद्र, सदा तुम्हारे जिन चरणों को धोकर तुम्हें प्रणाम करता है, मैं उन चरणों को दबाना चाहता हूँ। माता के चरणों को क्या बोल रहा है कि मैं दबाना चाहता हूँ, उन चरणों की मैं सेवा करना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्या है? सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तजकर वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। अब बोलते हैं माता, मैं हर तरह का भेदभाव त्याग कर तेरी सेवा करना चाहता हूँ। क्या बोलते हैं? हे माता, मैं हर तरह का भेदभाव त्याग कर तेरी सेवा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्रतिदिन तेरा पुण्य नाम ही सुनूं और दूसरों को भी सुनाऊं। मैं चाहता हूँ कि प्रतिदिन मतलब हर एक रोज तेरा नाम सुनूं और दूसरों को भी सुनाऊं। और फिर नेक्स्ट लाइन में क्या दिया है? तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। अभी क्या दिया है कि मैं मंत्र के रूप में तेरा ही नाम जपता रहूं। अभी आपको पता है कि अभी हम लोग जैसे किसी भी भगवान के भक्त होते हैं, इंसान लोग किसी भी भगवान के भक्त होते हैं ना, तो उनके ही गुणगान करते रहते हैं। तो ये भक्त किसका गुणगान करना चाहता है? माँ का गुणगान करना चाहता है, धरती माँ का गुणगान करना चाहता है। माताएं बहुत होती हैं ना, दुर्गा देवी काली धरती माँ, बहुत सारी माँ होती है ना, तो ये माँ का गुणगान करना चाहता है और बोलता है कि मैं मंत्र के रूप में तेरा ही नाम जपता रहूं, तेरा ही नाम जपता रहूं, जिस भी रूप में हो सके मैं तेरे लिए ही समर्पित रहूं, जिस भी रूप में हो सके मैं तेरे लिए ही समर्पित रहूं। और इसका एक मतलब और भी होता है कि जो हमारी मातृभूमि इसके लिए भी हमारे देश के सिपाही लोग बहुत बॉर्डर पे लड़ते हैं, हमारी धरती माँ के लिए लड़ते हैं, तभी हम अपने घर में सुकून से रहते हैं, ठीक है। और जब ही वो लोग बॉर्डर पे मेहनत करते हैं तब जाके हमारा देश सुरक्षित रहता है। तभी तो इन्होंने आज़ादी के लिए ऐसा किया है, कितने सारे लोगों लीडर लोगों ने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है, तब तो जाके हमारा देश आज़ाद हुआ है और हम फ्रीडम से रहते हैं। नहीं तो ऐसा नहीं होता तो आज भी हम अंग्रेजों के गुलाम होते हैं ना। तो अभी ये क्या बोल रहे हैं कि जिस भी रूप में हो सके मैं तेरे लिए समर्पित रहूं। और क्या बोलते हैं कि मैं अपना तन और मन तेरे लिए बलिदान कर दूं। मैं अपना तन दिया ना, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं, तो बोलते हैं कि मैं अपना तन और मन तेरे लिए ही बलिदान कर दूं, मतलब मातृभूमि के लिए ही बलिदान कर दूं। तो ये लेसन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, समाप्त होता है। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में पोयम सीखा था, ठीक है, फर्स्ट पोयम हे मातृभूमि। तो वो जो हमने सीखा था उसका जो नया शब्द मैंने बताया है ना, शब्दार्थ, वो आपको अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है और भी मैं होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है। अभी हम आगे देखते हैं, आगे क्या देखेंगे हम, जो हमने लेसन पढ़ा है उसके कुछ हैं एक्सरसाइज, वो हम देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है सूचना के अनुसार कृतियाँ करो, कृति पूर्ण करो। फर्स्ट क्या दिया है? कृति पूर्ण करो। अब इसमें क्या दिया है? मातृभूमि की विशेषताएं। अब हम इसकी विशेषताएं में क्या क्या लिखेंगे वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये भी आपको अपने होमवर्क में नोट डाउन करना है। कैसे? फर्स्ट क्या है विशेषता है? श्री राम कृष्ण जैसे सपूतों को जन्म दिया, ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकेंड क्या है? समुद्र नित्य इसकी पदरज को धोता है। थर्ड क्या है? समुद्र इसे प्रणाम करता है। फोर्थ क्या है? मातृभूमि का पुण्य नाम है, मातृभूमि का पुण्य नाम है। अभी ये हमारा कंप्लीट हुआ मातृभूमि की विशेषताएं, और हम देखेंगे अभी सेकेंड कृति पूर्ण करो, कृति पूर्ण
करो। इसमें क्या है, कवि मातृभूमि के प्रति अर्पित करना चाहता है। क्या अर्पित करना चाहता था कवि, अगर आप लोग वीडियो ध्यान से सुनेंगे तो आपको अपने मन से भी आ जाएगा लिखने, मन और देह, यही अर्पित करना चाहता था ना। अभी थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक शब्द में उत्तर लिखो। अभी देखो इसमें क्या है, फर्स्ट कवि की जिह्वा पर इसके गीत हों, कवि की जिह्वा पर इसके गीत हों, किसके गीत हों, मातृभूमि। एक शब्द में उत्तर लिखना है ना। अभी हम सेकंड देखते हैं, मातृभूमि के चरण धोने वाला, मातृभूमि का चरण धोने वाला कौन है, समुद्र। अभी थर्ड क्या है, मातृभूमि के सपूत श्री राम कृष्ण, है ना, मैंने आपको पोयम में भी समझाया था। अभी फोर्थ क्या है, प्रतिदिन सुनने सुनाने योग्य नाम, मातृभूमि, मातृभूमि। फाइव क्या है, अभी मातृभूमि के चरणों में इसे नवाना, किसे नवाना है, सीस, मतलब सीस झुकाना। ओके, हमारा थर्ड क्वेश्चन रेडी हो गया, अब हम फोर्थ देखेंगे, बहुत इजी है। फोर्थ में क्या है, कविता की पंक्तियां पूर्ण करो, और ये कविता की पंक्तियां आप लोग खुद से पूर्ण करेंगे, क्योंकि वीडियो में भी दिख रहा है सब कुछ, और मैं पिक्चर भी क्लिक करके भेज दूंगी पोयम का। तो ये सेवा में तेरी वाली जो लाइन है ना, वो वाली लाइन आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है, भाषा बिंदु। अब देखो, निम्न विराम चिन्हों के नाम लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग करो। विराम चिन्ह सबको पता है ना, मैंने सबको इसमें सेवन क्लास में सबको पढ़ाया था विराम चिन्ह। अभी एट में आपको ये याद होना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट टाइम आपको बता दूंगी, ठीक है। अभी देखो सबसे पहले क्या दिया है, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम दिया है ना, और अल्प विराम है, क्वेश्चन मार्क है ना, ऐसे लाइन से दिया हुआ है। तो इन इन सबका आपको क्या करना है, ये करना है, वाक्य में प्रयोग भी करना है और उसका नाम भी आपको लिखना है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट है पूर्ण विराम है, तो पूर्ण विराम में हम कैसा वाक्य बनाएंगे और लास्ट में उसको पूर्ण विराम लगाएंगे। अब जैसे राजा ने राजकुमारी को गले लगा लिया, पूर्ण विराम हो गया हमारा कंप्लीट। हमको देखो लिखना भी है, ये लाइन जो है ना इसका नाम हमें लिखना है, पूर्ण विराम, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे अर्ध विराम। नेक्स्ट क्या है, अर्ध विराम मतलब सेकेंड, तो सेकेंड अर्ध विराम हम लिखने के बाद क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अपने मन से, हमको वाक्य में प्रयोग करना है, ठीक है। और मैं आपको बता रही हूँ, सालू बच्ची थी अर्ध विराम, पर मुझे उससे चिढ़ हो गई थी। हाँ, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड देखेंगे, क्वेश्चन मार्क मतलब प्रश्न सूचक चिन्ह। अब इसमें क्या है, आप ये भी लिख सकते हो तुम्हारा नाम क्या है, ये भी लिख सकते हो मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है। हाँ, हो गया। अभी फोर्थ हम देखेंगे योजक चिन्ह, जो हम लाइन खींचते हैं ना ऐसे, योजक जैसे स्लिपिंग लाइन के जैसे होता है, योजक चिन्ह होता है, तो हम उसको वाक्य में प्रयोग करेंगे। दिन भर बड़ी दौड़ धूप रही, दिन भर बड़ी दौड़ धूप के बीच में हम क्या करेंगे, योजक चिन्ह, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं विस्मय सूचक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह। अब इसमें क्या है, वाक्य में प्रयोग करेंगे, आप अपने पोयम से भी कर सकते हैं, हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीस नवाऊं। अब मातृभूमि के बाद में ये लगा है ना चिन्ह विस्मय सूचक का, वो लगा देने का। अभी हमारा क्या है, हाँ, और स्टूडेंट्स ये आपका टू टू टाइम दिया है प्रश्नवाचक चिन्ह, तो इससे आपको घबराना नहीं है, आपको एक ही बार करना है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। अभी हमारा विस्मय सूचक हो गया ना, अब हम देखेंगे इकहरा उद्धरण चिन्ह। अब ये कौन सा चिन्ह है, इकहरा उद्धरण, जो हम लोग इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करते हैं ना वो, तो हम इसमें वाक्य में प्रयोग करते हैं राजकुमार जी ने
कबीर का ये रहस्यवाद लिखा। अब कबीर का रहस्यवाद को हम क्या कर देंगे, इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर देंगे, मतलब इकहरा उद्धरण में क्लोज मतलब बंद कर देंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे दोहरा उद्धरण चिन्ह। दोहरा उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करते हैं जो, वो होता है दोहरा उद्धरण चिन्ह। इसमें हम क्या लिखेंगे, राजा ने पूछा तुमने क्या किया दानों का। ठीक है, तो ये हम कर देंगे जो तुमने क्या किया, तो ये तुमने जो है ना डबल इन्वर्टेड कॉमा मतलब दोहरा उद्धरण और दोनों का में कर देंगे क्लोज। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क भी इसमें लग सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, और हम देखेंगे लास्ट निर्देशक चिन्ह। लास्ट क्या है, निर्देशक चिन्ह जो योजक से बड़ा होता है। ठीक है, और इसमें हम वाक्य में प्रयोग करेंगे सच ही कहा है बुरे काम का बुरा नतीजा। अब सच ही कहा है वहां पे हम रुकेंगे, फिर वहां पे हम निर्देशक चिन्ह लगाएंगे, फिर लिखेंगे बुरे काम का बुरा नतीजा। हमारा ये लेसन कंप्लीट ऑलमोस्ट हो गया है। और जितना भी मैंने आपको चिन्ह बताया है यहाँ पे, जो मैंने बताया वो आपको नहीं लिखना है, आपको खुद के मन से वाक्य में प्रयोग करना है। ओके, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि शब्दों के आधार पर कहानी लिखो। उपयोजित लेखन आपने पढ़ा है ना 7th में, तो उपयोजित लेखन में हमें क्या करना रहता है कि मुद्दे दिए रहते हैं, है ना, मुद्दे हमें दिए रहते हैं और उन मुद्दों के आधार पर हमें कहानी को तैयार करना पड़ता है। तो आपको ग्रंथालय, स्वप्न, पहेली, कांच, इन सारे शब्द वर्ड को लेकर के एक कहानी तैयार करना है। और अगर आपको नहीं आएगा तो मैं आपको बता दूंगी, मैं थोड़ा सा आपको बता दे रही हूँ एक कहानी ऐसा ही बना के, कि नेहा एक छोटे से गांव में रहती थी। उसे पढ़ने का बहुत शौक था पर गांव में 8वीं कक्षा के बाद कोई स्कूल नहीं था। उसके माता पिता ने नेहा का शौक देखते हुए उसे आगे पढ़ने के लिए पास के कस्बे में भेजा। नया स्कूल नेहा को बहुत अच्छा लगा। विशेष रूप से वहाँ का ग्रंथालय, वहाँ हर विषय की ढेरों पुस्तकें थी। कांच की बड़ी बड़ी अलमारियाँ में सजी पुस्तकें मानो नेहा को अपनी ओर बुलाती। जब भी अवसर मिलता वह पुस्तकालय के अध्यक्ष की अनुमति लेकर पुस्तक पढ़ने बैठ जाती। आपको मैंने इतना बताया ना, देखो इसमें ग्रंथालय भी आया, कांच भी आया, है ना, आया ना। और अभी हमें स्वप्न और पहेली वो देखना है, तो आगे का आप खुद ही बनाएंगे, है ना। आप लोग कहानी बनाने की कोशिश करेंगे, नहीं आएगा तो मैं बाद में कहानी का पिक्चर क्लिक करके आपको भेज दूंगी। ठीक है, थैंक यू।